वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। आज हम बात करने वाले टेम्पटेशन आइलैंड के बारे में। क्या है ये टेम्पटेशन आइलैंड? तो आइए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, हम निकलने वाले हैं ब्रेकअप के सफर पर। समझ नहीं आया मैं क्या बोलना चाहती हूँ? तो जिन जिन को नहीं पता, टीवी में एक नया क्रिंज कंटेंट का जॉनर आया है भाई। अबे क्या बोल रहा है? पिलियल बॉल, पिलियल बॉल। फिट्स फिला रोडीज बिग बॉस, ने ये सब का कॉन्सेप्ट तो पुराना हो गया। अब हम फॉरेन शोज से कुछ एक नया कॉपी करना सीख गए हैं। सारे शोज को मिलाकर और क्रिंजनेस का बहुत सारा तड़का देकर बनता है हमारा टेम्पटेशन आइलैंड। तुमने सार्वजनिक शादियों का नाम तो सुना होगा, ये शो है सार्वजनिक ब्रेकअप का शो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो बेसिकली तुम बॉयफ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड्स को अलग अलग भाड़े के विला में ले जाकर छोड़ दो और उनके आगे पीछे चार पांच बंदे बंदियां रख दो और फिर एंड में वेट करो और देखो कि किसका ब्रेकअप होता है। वाओ, सो न्यू कॉन्सेप्ट। अब भैया तुम गाय के सामने चारा रखोगे तो वो तो खाएगा ही ना, समझ रहे हो? समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। टेम्पटेशन आइलैंड में एज अ गेस्ट मेंटोर फुकरा और एल्विश को बुलाया था। अब शो को भी तो पता है बाबू सोना करके कितना ही टीआरपी कमा लेंगे। असली टीआरपी तो पुराने शो के फाइनलिस्ट से ही मिलनी है ना। मैं चाहिए एक पार्टनर, है क्या कोई भाई? पार्टनर पार्टनर पार्टनर, तुमने बुलाया और हम चले आए। बोल क्यों नहीं रहा फिर कुछ? एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एल्विश भाई एक लैप डांस बनता है, चलो आ जाओ, चल कम ऑन निखिल, एक छोटा सा, एक छोटा सा लैप डांस। अबे साले, अब एल्विश भाई आया यहाँ पर, इनके आगे वैसे कोई कुछ नहीं बोल सकता। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं गंदे काम मेरे से करवा लो। मुंडी को किस करना चम्मच यूज करके। फुकरेंसन और एल्विश यादव का इस शो में होना शेर के सामने घास रखने के बराबर है। इसका कोई सेंस बना? आई नो दैट इज द होल पॉइंट। ये बड़ी अच्छी बात कही आप भाई। दो बेचारे सिंगल लौंडो को लव गुरु बनाकर छोड़ दिया है, यहाँ पे चिट्ठियां लिखवाई जा रही है, यहाँ पे व्लॉगिंग करवाया जा रहा है, मतलब चल क्या रहे इस शो में? ना प्यार है ना कॉमेडी। खैर, टेम्पटेशन आइलैंड में 5 महीने के रिलेशनशिप से लेकर 11 साल के रिलेशनशिप में साथ रहने वाले कपल आए हैं। गार्गी और रौनक, एक लव स्टोरी के 11 साल। सबसे सुंदर लड़की लगती है दुनिया में गार्गी। टेन और निकिता, 4 महीने का ब्लॉसमिंग लव। मुझे थोड़ी ट्रस्ट इश्यूज है ऑनेस्टली। भाई 5 महीनों वाला का तो फिर भी समझ आता है, तुम 11 साल वाले यहाँ क्या करने आए हो? अपने पार्टनर में क्या ढूंढने आए हो कि उसमें अभी तक जीने की क्षमता बची है कि नहीं? तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? क्या ही करे, है तो ये इंसान जाति, इसीलिए 5 महीने वालों का सबसे पहले ब्रेकअप हो गया भाई। जो आप लोगों के बीच में है, हाँ जी, वो प्यार है, डीप फीलिंग्स अभी है। Expected. Can we take a card? I'm hurt. I'm disappointed. तुम यहाँ सब्सक्रिप्शन बोलकर अपना ट्रायल पीरियड खत्म करके चले गए, असली गेम तो तुमने ही खेला है। अब बात करते हैं इस शो के होस्ट की, करण और मोनी। अब जिस शो में स्वयं नागिनी होस्ट हो तो उससे क्या ही एक्सपेक्ट कर लोगे? और करण भाई तो बेचारे वो है जिनका करियर बिग बॉस भी आज तक नहीं बना पाए। ये दो वो लोग हैं जो हर वीकेंड पर आते हैं और बेचारे दुखी अपने गर्लफ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड्स को मिस कर रहे कंटेस्टेंट्स के साथ वीकेंड का वार खेलकर भग जाते हैं। अपनी रिलेशनशिप का अल्टीमेट टेस्ट आज कमिटमेंट वर्सेस टेम्पटेशन में किसका टूटेगा गुरु? आप जब तक लेसन सीखोगे नहीं तब तक फ्यूचर कैसे ब्राइट होएगा? आपको कुछ कहना है निशांक से? मैं को तो निशांक कैसा दिखता है पता भी नहीं। आई एम समहाउ इरिटेटेड विद दिस आल्सो।
आपने ना चेतना से उसकी चेतना ही छीन ली। ये बेसिकली जले पर पेट्रोल, नमक, केरोसिन, तेल सब कुछ फेंकने का काम करते हैं। देखो भैया, बाकी तुम समझदार और सतर्क हो अगर तुमने ये शो अभी तक नहीं देखा। बाकी जिनने ये शो देख लिया, भाई तुम लोग तो बहुत ही बड़ा चीज मिस आउट कर रहे हो अपनी जिंदगी में, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, सुख। चलो आज के लिए इतना ही। इस शो का ग्रैंड फिनाले हो चुका है, सभी लोग अपने घर जा चुके हैं, कोई सिंगल गया है तो कोई मिंगल गया है। अब तुम भी सब अपने घर जाओ, मस्त चद्दर टान के सो जाओ। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपना थॉट्स बताना भाई, किस किस ने ये शो देखा है, किस किस ने ये शो नहीं देखा है और कैसा लगा इन सपेरे नागिनों वाला शो। चलो वीडियो बंद कर लेती हूँ, अब हॉट टेम्पटर्स को भी तो देखने जाना है। शो क्रिंज है तो क्या हुआ, लोग तो हॉट है। Hello, welcome to my YouTube channel, guys. Today I am going to make a new video, so please I want to reach 1 million.